छत्तीसगढ़ में के सभी प्राइवेट स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून की 2 वर्ष से लंबित भुगतान समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये बंद बुलाया है। स्कूल प्रबंधन छात्रों को मैसेज के जरिए स्कूल बंद होने की सूचना दी है। हालांकि कई स्कूलों में परीक्षा चल रही है, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। निजी स्कूल संचालक संघ सरायपाली के अध्यक्ष अनुराग मसीह ने बताया है कि शासन से बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है, यह विरोध का प्रथम चरण है। लगातार पिछले कई वर्षों से शासन प्रशासन को अपनी मांगें जो है रखता आया है, लेकिन किसी तरह की उसमें कोई भी कार्रवाई जो अभी तक नहीं की गई। मजबूर होकर संघ को जो है ये स्टेप उठाना पड़ा और आज एक दूसरी हड़ताल और धरना प्रदर्शन के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और सरकार के द्वारा जो 8 सूत्रीय लंबी मांग चल रही है उसके बारे में सभी तो बता चुके हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो सरस्वती साइकिल योजना है वो भी उनको लाभ प्रदान की जाए और जो शिक्षक जो है निजी विद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं उनको बोनस की पात्रता